झगड़ा दिख रहा था, गुस्सा दिख रहा था, मन मोटाव था वो खत्म हो गया। देखिए मन मोटाव उसी से होता है जो अपने होते हैं, अपने से ही प्यार होती है और लड़ाई होती है। तो हम उनके प्यारे हैं, बीच में नाराजगी थी, अब किसी तरह की नाराजगी नहीं है, ऑल इज वेल। तो हम तो यही कहेंगे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलके लिखेंगे तेजस्वी जी के साथ नई कहानी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। आरजेडी एमएलसी कुमार सौरभ पर तेज प्रताप यादव ने हाल में ही बड़ा गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन अब जो रिश्ते हैं कुमार सौरभ के तेज प्रताप यादव के साथ सुधर रहे हैं, और आज तेज प्रताप यादव से मिलने के लिए कुमार सौरभ जो है उनके आवास पर पहुंचे। ये विजुअल उस वक्त की है जब कुमार सौरभ तेज प्रताप यादव से मिलने के लिए उनके घर पर जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन एक घंटे की बातचीत होती है, और तेज प्रताप से मिलने के बाद कुमार सौरभ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो अपने होते हैं उन्हीं से तो हम लड़ाई करते हैं, लेकिन अब ऑल इज वेल है। और साथ ही अमित शाह के उस बयान पर भी तंज कसा, जिसमें अमित शाह ने आज बिहार में कहा कि भूलेगा नहीं बिहार की किस तरह का शासनकाल जो है वो आरजेडी का रहा है। अगले वीडियो में देखिए कुमार सौरभ तेज प्रताप यादव से मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। समय बाद नहीं, कल इफ्तार पार्टी थी, कल भी आए थे, और इसके पहले हम अपने क्षेत्र में लगन का अभी बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है तो लगन देख रहे थे, और बीच में कुछ निजी कार्यों से दिल्ली भी गए थे। तेज प्रताप यादव भी अभी अंदर थे, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई उनसे। झगड़ा दिख रहा था, गुस्सा दिख रहा था, मन मोटाव था वो खत्म हो गया? देखिए मन मोटाव उसी से होता है जो अपने होते हैं, अपने से ही प्यार होती है और लड़ाई होती है। तो हम उनके प्यारे हैं, बीच में नाराजगी थी, अब किसी तरह की नाराजगी नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। अच्छा, कल नीतीश कुमार के आने के बाद से आरजेडी के तमाम नेताओं के चेहरे पर खुशियां दिख रही हैं, मुस्कान दिख रही है, क्या बात? खुशियां मुस्कान दिखी, बहुत दिन बाद सीएम साहब आए थे तो कोई गेस्ट आएंगे, और काफ़ी दिनों बाद, कोरोना काल में भी अभी इफ्तार हो नहीं रहा था, बंद था, तो कल इफ्तार हुई कम से कम 2 साल बाद, और पक्ष विपक्ष एक साथ बैठे, एक फेस्टिवल की तरह मनाए, और रमजान भी एक फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में जब सब मिलते हैं तो खुशी तो होती है। आज अमित शाह ने कहा कि जंगल राज को बिहार नहीं भूले, लालू यादव को भूल गया क्या? तो अमित शाह जी देखिए गृह मंत्री हैं, वो भी ये चीज़ भूल गया कि 2010 में उनको भी तो तड़ीपाड़ किया गया था, आखिर उनको तड़ीपाड़ किया गया था, तो इस चीज़ वो भी तो बोले, अरे जंगल राज था, उनको भी तड़ीपाड़ किया गया, आज के दिन में वो आए, आज वो गृह मंत्री हैं, सबके लिए माननीय आदरणीय है, आज हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी है वो भी हमारे लिए माननीय और आदरणीय है। तो हम तो यही कहेंगे छोड़ो कल की बात पुरानी है, नए दौर में मिलके लिखेंगे तेजस्वी जी के साथ नई कहानी। सौरभ जी का झगड़ा खत्म हो गया? अरे कोई झगड़ा ही नहीं था, था। देखिए झगड़ा मैं आपको बोल रहा हूँ, झगड़ा और रगड़ा उसी से होता है जो अपने होते हैं। हम उनके अपने थे, कुछ नाराजगी थी, वो नाराजगी खत्म हो चुकी है।